हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सॉल्यूशन पॉइंट। आज हम आपको दिखाते हैं, हमारे पास एक एलजी की 8 kg की वॉशिंग मशीन है, सेमी ऑटोमेटिक। इसके अंदर जो इसकी स्पिन मोटर है वो काम नहीं कर रही है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको इसकी स्पिन मोटर कैसे चेंज करनी है। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले इसकी वॉश मोटर चला के दिखाता हूँ। तो देखिए, अब हम इसकी वॉश मोटर को एक बार चला के दिखाएंगे आपको। ये इसकी नोब होती है, यहाँ से हमने इसको, हम ये देखिए, अब ये शॉकिंग मोड पे चलिए, इसको हम 10 मिनट के टाइमर पे लगाते हैं। और उसके बाद ये देखिए दोस्तों, जो अपनी मोटर है वो ठीक कर रही है। अब इसके अंदर 3 मोड होते हैं, ये देखिए जेंटल पे अगर हम इसको कर देते हैं तो ये जो इसके राउंड है वो देखिए कम राउंड लगाएगी अभी मोटर। देखिए कुछ इस तरह से, ये देखिए। और मैं इसको अभी स्ट्रॉन्ग पे कर देता हूँ तो ये इसके जो राउंड है वो देखिए, इसके राउंड का टाइम बढ़ जाता है। तो मैं अभी वॉश मोटर को हम बंद कर देंगे, उसके बाद मैं आपको इसकी स्पिन मोटर चला के दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, स्पिन मोटर में आपको एक आवाज़ आ रही होगी हमिंग साउंड की, मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस तरह की ये हमिंग साउंड की आवाज़ है। देखिए, ये हम इसके बैक पैनल की तरफ आ चुके हैं। मैं थोड़ी मशीन को आपको टैपर करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये जो अपनी स्पिन मोटर है वो चल नहीं रही है, खाली हमिंग साउंड दे रही है। तो हम इसकी जो स्पिन मोटर है उसको चेंज करेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरह आप इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं, और किस तरह आप मोटर को चेंज करने के बाद इसके अंदर हम दोबारा से अपनी स्पिन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। पहले हम इस जो वॉशिंग मशीन है इसको खोलना सिखाते हैं, हमको किस तरह खोलनी है, उसके बाद मोटर चेंज करेंगे। कुछ तरह वॉशिंग मशीन आपको इस तरह करनी है डाउन, और उसके बाद देखिए इसके स्क्रू होते हैं जो कि इसके साइड पैनल पर लगे होते हैं। देखिए एक स्क्रू ये है, और यहाँ पर कुछ इस तरह के आपको 3 स्क्रू मिलेंगे वॉशिंग मशीन के अंदर। ये आपको सबसे पहले खोलनी है। देखिए कुछ सेम स्क्रू इस साइड भी हैं, ये देखिए। आपको ये स्क्रू खोलने के बाद हम आपको बताएंगे इससे आगे आपको किस तरह से इस वॉशिंग मशीन को खोलना है, और मैं आपको पूरी वीडियो अच्छी तरह बना के दिखाऊंगा, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह आपको स्पिन मोटर की जो ये ब्रेक पुली होती है वो भी खोलनी पड़ेगी, और जो इसकी ब्रेक बेल्ट है वो किस तरह से आपको हटानी है, और जो इसकी ड्रेन एक्चुएटर है वो हमने अभी निकाल रखा है, ड्रेन रबड़ है जो, वो भी आपको लगा के दिखाऊंगा किस तरह आप इसको लगा सकते हैं बड़ी आसानी से। तो देखिए फ्रेंड्स, जो इसका ये पैनल था प्लास्टिक पैनल, ये हमने पूरा खोल लिया है। अब हम इसके बाद इसकी जो स्पिन मोटर है जो मैंने आपको दिखाई है, देखिए ये ब्रेक पुली है, इसको हम खोलेंगे। तो इसमें दोस्तों हमारी एक गोटी 10 नंबर की यूज होगी और एक 12 नंबर की गोटी यूज होगी। तो देखिए सबसे पहले इसमें 12 नंबर की गोटी का यूज करेंगे, उसके बाद जो इसका नीचे वाला बोल्ट है उसको आराम से खोल लेते हैं जो कि लॉकिंग के लिए होता है, और उसके बाद इसमें हम 10 नंबर की गोटी का 10 नंबर की गोटी लगाएंगे, और जो इसका मेन बोल्ट है ऊपर वाला उसको खोल लेंगे 10 नंबर की गोटी लगा के। और उसके बाद जो अपना फ्रेंड्स, अब जो ऊपर वाला अपना स्क्रू है ये है, इसको हम 10 नंबर की गोटी की सहायता से आसानी से खोल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बड़ी आसानी से हमने इसकी पुल्ली का जो बोल्ट है उसको खोल लिया है। देखिए अब हम जो उसका स्पिन टब है, ये देखिए जो स्पिन टब की आपको इसके अंदर रोड दिख रही होगी, उसको हम बाहर की तरफ निकालेंगे स्पिन टब को, और जो अपना अब ये प्लास्टिक की इसकी बॉडी थी उसको आज बड़ी आसानी से अब हम बाहर की तरफ निकालेंगे। उससे पहले हमें ये देखिए, ये जो अपनी वॉश है इसके ऊपर एक बेल्ट चढ़ी हुई है, हमें उसकी बेल्ट को उतारना होगा, और उसके बाद ये अपनी जो मशीन है ये पूरी पीछे वाला सिस्टम आराम से बाहर निकल जाएगा। तो देखिए जो अपनी बेल्ट थी वो भी आसानी से हमने निकाल ली है, और अब हम जो इसका ये प्लास्टिक पोर्शन है इसको निकालेंगे और पलट के इसके ऊपर रखेंगे। तो दोस्तों ये काम बड़ी सावधानी से करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, लगभग हमने इस वॉशिंग मशीन का सारे स्क्रू निकाल लिए हैं। अब हम इसको वॉशिंग मशीन को निकाल के आपको दिखाएंगे किस तरह से आपको इसको बाहर निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हमें जो ये ब्रेक पुली है इसकी, जो इसके अंदर ब्रेक लगे होते हैं, उसको यहाँ से ऐसे आसानी से निकालना है। उसके बाद ये जो लॉक है अपना, उसको भी हमें यहाँ से निकालना है, और उसके बाद अब देखिए हम
इसको वॉशिंग मशीन को इस तरह निकालेंगे और पलट कर इसके ऊपर रख देंगे वापस। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो अपनी है ये स्पिन मोटर है, इसके अंदर ये इसकी ब्रेक प्लेट है और ये इसकी ब्रेक पुली, और ये अपनी जो है ये मोटर है, और ये इसके तीन सोकर होते हैं, देखिए कुछ इस तरह के इसमें तीन सोकर लगे होते हैं। ये है जो अपना, ये अपना कैपेसिटर है, इसमें स्पिन और वॉश की दोनों एक ही कैपेसिटर है इसके अंदर। और ये देखिए, ये है अपनी वॉश मोटर, इसके ऊपर की पुली है और ये नीचे इसके अंदर मोटर होती है। और अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हम इस मोटर को उतारते हैं। तो ये देखिए जो स्क्रू हैं इसके अंदर, तीन स्क्रू जैसे कि मैंने आपको दिखाई थे, ये देखिए इसको हम तीनों स्क्रू निकालेंगे और मोटर है जो हमारी बड़ी आसानी से बाहर की तरफ आ जाएगी। और उसके बाद हम इसको आपको दिखाएंगे कि जो हमारी नई मोटर है उसको हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। पहले उसकी हमें CSR निकालनी होती है, कॉमन स्टार्टिंग रनिंग, उसी के बाद आप मोटर को वॉशिंग मशीन के अंदर लगाएं, क्योंकि कलर कोड पर हम कोई विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि बिना कलर विदाउट कलर कोड चेंज हो जाता है तो हम मोटर इसमें लगा नहीं पाएंगे, वो आपकी स्टार्टिंग और रनिंग चेंज हो जाएगी। तो उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगा जिसमें हम सभी जितनी भी अपनी प्रकार जो भी अपनी कैपेसिटर स्टार्ट रनिंग मोटर होती हैं उसमें हम CSR निकाल के दिखाएंगे, कॉमन स्टार्टिंग रनिंग, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ये देखिए हमारी ये जो वीडियो मोटर है वो निकल चुके हैं। और आपको दोस्तों LG में देखने के लिए एक कुछ देखिए इस तरह का एक लॉक भी मिलेगा, तो उसको आपको ऐसे पुश करना है और ये अपना बाहर की तरफ निकल जाएगा कुछ इस तरह से। और जो मोटर है वो देखिए बिल्कुल फ्री हो चुकी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अपनी कुछ इस तरह की मोटर है। और हम इसकी जो ब्रेक देखिए, ब्रेक प्लेट है, इसके हम तीन स्क्रू हैं, इसको भी खोल के दिखाएंगे। और उसके बाद जो इसकी ऊपर वाली टॉप की पुली है उसको भी आप खोल सकते हैं, और उसी के बाद हम इसमें नई मोटर लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी नई मोटर है वो कुछ इस तरह की है, इसकी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा CSR निकाल के, उसमें हम आपको दिखाएंगे कि आप किस तरह से CSR निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें हमने 5 MFD का जो कैपेसिटर है उसका यूज़ करना है। और पहले हम जिस तरह से हमने उसके ऊपर से ब्रेक प्लेट इसकी खोली थी उसी तरह से सेम हम इसके ऊपर ब्रेक प्लेट लगाएंगे, और उसके बाद इसकी पुली लगाएंगे, और उसके बाद हम इसको वॉशिंग मशीन के अंदर आपको लगा के दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर हमने ब्रेक प्लेट भी लगा दी है, और जो इसकी ब्रेक पुली थी वो भी हमने इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा दिया। देखिए अब हम लास्ट में जो इसकी ये इसके अंदर एक सील होती है, देखिए दोस्तों ये भी आपसे फटी हुई है, देखिए अगर आपको नजर आ रहा है तो। अभी हम इसको ही बदलेंगे, इसके अंदर ऑलरेडी एक यूनिवर्सल सील लगी हुई है जिसको हम चूड़ी वाली सील बोलते हैं मार्केट में। तो देखिए ये अगर हम एंटी क्लॉक वाइज करते हैं तो ये टाइट होती है और क्लॉक वाइज खुलती है। तो देखिए हमने इसको क्लॉक वाइज घुमा के इसको निकाल लिया है, और हम इसका टब निकालेंगे अभी अंदर से, और इस सील को हम भी बदलेंगे, और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आपको आसानी से इस सील को बदल सकते। देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने अंदर की तरफ टब को हम निकाल लेंगे, और उसके बाद हम इसकी जो सील है ये देखिए, सील आपको नज़र आ रही होगी, ये सील ख़राब है, तो हम इसकी जगह दूसरी यूनिवर्सल सील डालते हैं। देखिए सील को भी आप बड़ी आसानी से पीछे की साइड ऐसे देखिए निकाल सकते हैं इसको। तो देखिए ये हमारी सील निकल चुकी है, और इसके बाद हम इसके अंदर एक दूसरी यूनिवर्सल सील डालेंगे अभी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने इसका अभी स्पिन टब बाहर निकाला है, ये देखिए जो इसमें आपको इसकी जो साफट दिख रही है उसमें स्केलिंग है कुछ इस तरह की, ब्लैकनेस ये है। तो हम इस पर थोड़ा सा हैमरी पेपर की सहायता से इसको रब करेंगे, देखिए कुछ इस तरह से, और उसके बाद हम इसको दोबारा से नई सील लगा के दोबारा से मशीन के अंदर डालेंगे। देखिए अच्छी तरह से इसको चारों तरफ से अच्छी तरह साफ करना है, जिससे कि जो उसके ऊपर जंग हो या फिर स्केलिंग हो किसी तरह की वो आसानी से हट सके, और अपना जो साफट है स्पिन टब की वो आसानी से सील के अंदर जा सके।
तो देखिए ये लगभग हमारा काम पूरा हो चुका है। अब हम इसकी सील को दिखाएंगे आपको किस तरह से लगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इस सील के ऊपर हल्का सा फेविकोल का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि ये टब के अंदर आराम से पेस्ट हो सके। तो देखिए इस तरह से, इसके बाद इसके हम ऊपर इसको थोड़ा सा उंगली से फैला के उसके बाद इसको हम अपना जो स्पिन टब है उसके अंदर लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से आपको इसमें उंगली से इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से लगा लेना है। और उसके बाद देखिए मैं दिखाता हूँ जो अपना स्पिन टब है, देखिए अंदर से स्पिन टब के अंदर हमने इसको कुछ इस तरह से लगाना है। और जो इसके बाद इसका देखिए कुछ इस तरह से, और उसके बाद जो इस देखिए कुछ इस तरह से हमें इस सील को अच्छी तरह से लगाना है देखिए। और उसके बाद हम इसके अंदर स्पिन टब डालेंगे और आपको फिर से इसको स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसका जो वॉशिंग मशीन का कैपेसिटर है वो भी चेक किया है कुछ इस तरह से। हमारे पास एक लैमीटर है जिससे हम इसकी कैपेसिटी चेक कर सकते हैं। तो देखिए पूरा हमारा 6 MFD है, तो इसका मतलब जो हमारा कैपेसिटर है वो इस मशीन का ठीक है। और बाकी ये देखिए हमने कुछ मोटर इस तरह से इसकी बदल दी है। अभी हम उसको पूरी रेडी करके मशीन को फिर आपको दिखाते हैं किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो हमने अभी इसकी स्पिन की मोटर चेंज की थी वो हमने दोबारा से इस मशीन के अंदर लगा दी है। और जो हमने इसका कैपेसिटर चेक किया था वो भी ठीक है। और जो हमने आपको इसकी वायरिंग दिखाई थी ये देखिए सेम एज ए लॉक में लग चुकी है। अब हम इसको मशीन को बंद करके फिर आपको इसके अंदर स्पिन टब डाल के फिर चेक करवाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, लगभग जो अपनी वॉशिंग मशीन है वो अपना क्लियर हो चुका है। अभी हम इसके अंदर आपको जो वॉश है इसकी बेल्ट लगा के दिखाएंगे और जो अपनी स्पिन है इसके अंदर टब डालकर आपको चेक करवाते हैं कि जो हमने काम किया है वो प्रॉपर वे में हुआ है या नहीं हुआ। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। तो देखिए दोस्तों, जो मैंने आपको नीचे सील दिखाई थी वो कुछ इस तरह से हमें इस मशीन के अंदर लगानी होती है। लगभग हमारा काम पूरा हो चुका है। अब हम इसके अंदर स्पिन टब डालकर और उसका एक स्क्रू नीचे से टाइट करेंगे, उसके बाद आपको चला कर दिखाते हैं कि हमारी मशीन प्रॉपर वे में चल रही है या नहीं चल रही। स्पिन टब को आप सावधानी से डालें कि टूट ना जाए। ये देखिए, और उसके बाद आप इसमें नीचे की तरफ सॉकेट की तरफ हम ध्यान देंगे एक बार। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ समय जो उसका स्पिन टब है उसे देखिए सॉकेट को किस तरह से आएगी। ये थोड़ा सा बैलेंसिंग नहीं बन रही है। देखिए जो अपनी सॉकेट है वो दिखाता हूँ आपको। देखिए जो अपनी ब्रेक पुली होती है उसके अंदर आ चुकी है, तो हम इसको आसानी से कस लेंगे और उसके बाद आपको स्पिन मोटर चला के दिखाते हैं।